प्रतियोगिता रखें जी, ऐसा एक सम्मेलन रखें, ऐसा एक मिलन रखें जो कि इस फैंसी ड्रेस को क्या परिधान प्रतियोगिता में बदल दिया जाए। जी जी। तब एक नाम आया विभिन्न कलाओं के, यानी 64 कलाओं के मर्मज्ञ हमारे भगवान श्री कृष्ण। जब कृष्ण की बात आती है तो उनकी बाल लीला को तो आप देख लो। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सुशांत और आज हम सिवान शहर में मौजूद हैं और यहां पर एक विशेष अतिथि से आज हम लोग मिलने वाले हैं और कहीं ना कहीं आज हमारे साथ जो अतिथि हैं वो जादूगर हैं और जादूगर आप समझ सकते हैं कि जादू सिखाना, लोगों के बीच में प्रदर्शन करना, लोगों को मंच देना और अनेकों प्रकार के जो वंचित क्षेत्र हैं, जो बच्चे वंचित हैं मंच पाने के लिए, उनको मंच दिलाना, मुख्य रूप से ये संस्कार भारती से जुड़े हैं। और आज कहीं ना कहीं हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां हुनर की कमी नहीं है, लेकिन उनको एक मंच देना अपने आप में एक बहुत बड़ा रिसर्च का बहुत बड़ा एक चुनौती है। तो आज हम जिस समाज में रहते हैं, जरूरी नहीं कि सभी लोग पढ़कर ही बड़ा नाम करें, उसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर हम जाकर और वहां पर बहुत बड़ा नाम कर सकते हैं और हमें वो जो जितना सुविधा मिलना चाहिए अगर किसी समाज को नहीं मिल रहा है तो एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के आप जिम्मेदार सदस्य तभी कहलाएंगे कि अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा कुछ भी है, पैसा, दिमाग या फिर जो भी आप श्रम ही कर सकते हैं, तो एक वंचित जो लोग हैं उनको मंच दिलाने का काम ये बहुत बड़ा चीज़ है। तो आज हमारे साथ एक बिजनेसमैन कह सकते हैं, एक जादूगर कह सकते हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता कह सकते हैं जो कि प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं संस्कार भारती उत्तर बिहार के और उनके साथ साथ अखिल भारतीय जादू संघ के भी सदस्य हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जो है उसके भी मेंबर रह चुके हैं, अभी हैं यहाँ पर, और उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय सिवान के भी एक मतलब बहुत अच्छे सदस्य हैं, एक एक्टिव सदस्य हैं और हाल ही में बहुत अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, बहुत लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन समाज को देखते हुए, समाज के लिए कुछ अच्छा करते हुए आगे बढ़ना बहुत कम लोग के अंदर वो कला है। तो सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हमारे आज की अतिथि जादूगर विजय सर का अपने चैनल पर। नमस्कार, स्वागत मेरा नहीं मीडिया का, स्वागत हम सबका नहीं, स्वागत श्रम करने वाले पत्रकार बंधुओं का और स्वागत सुशांत जी का। तो सुशांत जी आप स्वतंत्र हैं जी जी बात करने के लिए। हाँ हाँ, आज चलते हैं कुछ बात करेंगे जरूर। सर कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज जो बच्चे, हमने शुरू में भी कहा, किस प्रकार से मंच दिलाने का कोशिश करते हैं? देखिए, पूरे देश भर में एक संगठन काम करता है कलाकारों के बीच जी जी, उस संगठन का नाम है संस्कार भारती जी। संस्कार भारती का मुख्य उद्देश्य ही ऐसा रहा है जी कि नवोदित बच्चों को, नवोदित कलाकारों को मंच प्रदान करना, उनके प्रतिभाओं से समाज को परिचित कराना, और केवल नवोदित नहीं जी, हम स्थापित कलाकारों का भी मार्गदर्शन लेते हैं, उनका सेवा लेते हैं, उनको भी हम मंच पे लाते हैं ताकि हमारे नवोदित कलाकार सीख सके। और स्थापित की बात करते हैं, नवोदित की बात करते हैं, तो फिर गुरुजनों से हम मार्गदर्शन लेते हैं और गुरुजनों की एक साधना की, उनकी साधना को हम पूजते हैं, मान मर्यादा देते हैं। तो ऐसा नहीं, हम तीनों को लेके चलते हैं एक साथ, ठीक है। और संस्कार भारती क्या कोई एक क्षेत्र में नहीं है जी जी, आठों आयाम, यानी संगीत के क्षेत्र में, संगीत के भी कई रूप हो गए हैं, लोकगीत हो गया है तो शास्त्रीय संगीत हो गया है, यानी सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत को भी ले सकते हैं, स्थानीय भाषाओं में भी गीत होती हैं, कला होती हैं, रंगोली जी, माँ भारती की पूजा, तो माँ भारती की पूजा यानी कि भू को, अपने भारत भू को भी सजाने का, श्रृंगार करने का हम काम करते हैं। पुरातत्व विभाग में भी अपना काम चलता है, जैसे बहुत सारे पुराने मंदिरें बनी हुई हैं, बहुत ऐसे खंडहर हैं जो कि पुराने, ऐसे वहाँ कला का दर्शन हो जाता है, उनकी कृति की दर्शन हो जाती है, ऐसे कृतिकारों को भी हम लोग मंच पर लाते हैं। तो ये हमारा आयाम है, इस पर हम लोग काम करते हैं। ये बात हुई संस्कार भारती की और कहीं ना कहीं उसका जो उद्देश्य है पूरे देश में, उसको बखूबी सिवान रहकर और पूरे बिहार में पूरा कर रहे हैं जादूगर विजय जी। अब चूंकि नाम
के पहले जादूगर आता है, तो कहीं ना कहीं जादू और जादूगर के बारे में हम लोग को जानकारी जरूर लेनी चाहिए कि जादूगर विजय जी के नाम से आप क्यों जाना जाते हैं और ऐसा क्या आप करते हैं समाज में जादू के क्षेत्र में, जादू कला के क्षेत्र में, कि आपको लोग नाम के पहले जादूगर लगा देंगे। ये बड़ा अनोखा सवाल रहा है जी। मैं जब छात्र जीवन में था तो छात्र जीवन में एक योजना थी मन में कि पढ़ूंगा लिखूंगा कुछ कर लूंगा जी। इस क्रम में मेरे मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं एक क्या कहते हैं खुरपात हाँ। वो खुरपात जगी कला की। जब कला की बात करने लगते हैं तो मुझे लगा कि व्यक्ति के जीवन में ही कला है जी। अभी जो आपसे हम बात कर रहे हैं, आपने जो इतने सुंदर से बातों को रखा, मेरा परिचय रखा, मैं तो दंग रह गया कि ये व्यक्ति जो चित्र बनाना नहीं जानता है, जो संगीत जानता नहीं है, वो बात कितना मधुर कर लेता है, तो ये भी कला है। तो मेरे मन मस्तिष्क में आया कि कला के क्षेत्र में जाऊं। तो कला के क्षेत्र में जब मैं खोजना शुरू किया तो संगीत वालों के पास भी गया, संगीत भी सीखा, चित्रकला हो रही थी। मतलब कहाँ से आपने, शुरू से ही एक अच्छे विद्यार्थी आप रहे, तभी इतना सारा चीज आप सीखते आ रहे हैं लोगों से और उनको आपने पूरा अपना जो भी मतलब टैलेंट है वो सब उनको समर्पित कर दिया। ये काफी बड़ा, मतलब बड़े लोग की ये कला है, अक्सर हमने देखा है। नहीं नहीं, टैलेंट को क्या है भाई, सच्चाई तो ये है कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, होना भी चाहिए, ये सच्चाई है। अभी तो कुछ तकनीकी व्यवधान आया जिससे वीडियो रुक गया जी जी। इस तरह के व्यवधान मेरे जीवन में भी आया है। अभी एक प्रसंग मैं आपको बताऊं। जरूर। कभी एक कला मनोगों से जब बात होने लगी तो एक बात सामने आया जी कि विजय जी, आज 10 वर्ष पहले की मैं बात बता रहा हूँ कि विभिन्न विद्यालयों में बच्चों के बीच फैंसी परेड हो रहा है। हाँ, उसमें बच्चे अपने आप को सज के आते हैं और उनको विद्यार्थी को, उन ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय की तरफ से पुरस्कृत किया जाता है। हाँ, तो हमने तो इसमें दिक्कत क्या है भाई जी? बोले विजय जी थोड़ा सा ध्यान तो दीजिए, उसमें क्या है दिक्कत, हमने कुछ तो आप बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि आप जानते हैं जब फैंसी परेड बन के आता है तो कोई डॉक्टर बन के आता है, कोई इंजीनियर बन के आता है, कोई प्रिंसिपल बन के आता है, और कोई डाकू भी बन के आ गया है, और कोई पागल भी बन के आता है और उसको भी पुरस्कार मिल जाता है। तो इसमें कुछ विचार होनी चाहिए जरूर। अब ये चिंता का विषय हो गया। अखिल भारतीय हमारा संस्कार भारती ने तय किया कि इन विषयों को लेके हम लोग एक बच्चों में ऐसी प्रतियोगिता रखें जी, ऐसा एक सम्मेलन रखें, ऐसा एक मिलन रखें जो कि फैंसी ड्रेस को क्या परिधान प्रतियोगिता में बदल दिया जाए जी जी। तब एक नाम आया विभिन्न कलाओं के, यानी 64 कलाओं के मर्मज्ञ हमारे भगवान श्री कृष्ण। जब कृष्ण की बात आती है तो उनकी बाल लीला को तो आप देख लो जरूर जरूर। और जहां बाल लीला की बात आई तो अच्छे अच्छे लोगों के मन को मोहने वाला जरूर, कोई नहीं बोल सकता बच्चे। और ये वर्ष, इस वर्ष जी 33 वर्ष हुआ होगा जो कि प्रत्येक वर्ष सिवान में श्री कृष्ण बाल मेला का आयोजन होते आया है। आयोजक संस्कार भारती है। क्या बात है, नहीं विजय जी नहीं है, आयोजक संस्कार भारती, उसकी अलग एक समिति है, अध्यक्ष है, मंत्री है, कोषाध्यक्ष है, बहुत सारे उसके स्पॉन्सर्स हैं जो इस काम को करते हैं। और वहाँ छोटे छोटे बालक, आपको आश्चर्य तब होगा कि 2 महीने के 1 महीने के बालक हमारे यहाँ सच के आए, 2-1 महीने के एक गणेश जी है आपको तरवा मोड़ पे, उनका भगिना मात्र 1 महीना का हुआ था, उनको उन्होंने छेटी में लेके आया था और यही तहा नदी के, नदी में ऊपर धोती कुर्ता पहन के प्रवेश किए थे उस बालक को लेके। हम लोगों का हिम्मत डुल गया, ये कैसा बहाना, नवजात एकदम, मतलब नवजात शिशु को, उसके मन की भावनाओं को तो देखिए, उसकी माँ को, इच्छाओं को तो देखिए, वो अपनी माँ जो है मतलब अपने बालक को कृष्ण के रूप में देखना चाहती है, न कि शाहरुख खान के रूप में। होना चाहिए, असल में हीरो कृष्ण ही है। सही बात है। और उसका रिस्पॉन्स ये आया कि आज 10 वर्षों में, मैं तो अन्य जगहों की नहीं जानता हूँ लेकिन सिवान की मैं बात करूंगा, उत्तर बिहार की मैं बात करूंगा, सिवान में विद्यालयों से फैंसी ड्रेस खत्म है, आज नहीं है कहीं पर वाकई में। और इसका ही हो सकता है सिवान से बाहर हो कहीं, पटना या फिर कहीं भी, लेकिन सिवान में तो नहीं है। होगा, बहुत ऐसा विद्यालय है जिनके नाम के आगे सेंट उंट लगा रहता है, चुपके चुपके कुछ लोग कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन आज सिवान से ये खत्म है।
सिवान से खत्म है ये फ्रेंडशिप डेज और इसका एकमात्र कारण है श्री कृष्ण बाल मेला जो कि 33 वर्ष है। ये काफी अहम बात सर ने बोला और कहीं ना कहीं हमको प्रेरणा लेनी चाहिए हमारे पूर्व में जो भी हमारे देवी देवता चाहे किसी भी जाति धर्म के कुछ अच्छा किए हो तो उनसे प्रेरणा लेना बहुत जरूरी है। चलिए एक अंतिम प्रश्न सर हम जानेंगे कि सिवान के लोगों से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि यहाँ के गार्जियन जनरली पढ़ो 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 कहते हैं, तो कला के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप? अभी घर में एक छोटी बच्ची है मेरी जी जी, तो उसके माँ ने कहा कि तुम रोटी बनाओ रोटी बनाओ और रोटी बनाई तो टेढ़ा हो गया। माँ ने बेलना से उसके हाथ पे मारा और बोला कि सीखो जी। तो रोटी बनाना भी एक कला है, गोल पूरी को छान लेना भी एक कला है। मैंने कहा ना कि सुशांत जी इतना अच्छा परिचय करा दिए, मैं सोच भी नहीं सकता था ये भी एक कला है। कला तो जीवन में है, आपके रग रग में बसा है। और इस पर मैं आपने कहा कि अंतिम प्रश्न में तो मेरी अंतिम यही इच्छा है कि साधना के देश में मत नाम लो विश्राम का, मत नाम लो विश्राम का। क्या बात है, साधना के देश में मत बात लो विश्राम का, मतलब नाम करते रहिए, नाम नहीं लीजिए विश्राम करने का, अब बहते रहिए नदी की तरह, बहते रहिए एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह आप जमिएगा ना तो वहां काई और वहां गंदगी हो जाएगी, तो बहना सीखिए और कभी भी आराम करना नहीं सीखिए, कुछ ना कुछ करते रहिए, कुछ ना कुछ सोचते रहिए, तो आप बहुत बड़ा आदमी बन, एक समय बाद आएगा ना या व्यस्त रहना अपने आप को व्यस्त रखना सीख जाएंगे अच्छे कामों के लिए तो लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और ये बहुत बड़ा सर ने अंतिम में बात बोला और विजय सर को एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया और जादूगर विजय सर हम कहेंगे नहीं आप कला के क्षेत्र में और सही वाकई में आप जादूगर हैं और हमारे दर्शक बताएंगे कि सर कितने मतलब विषयों पर कितने अच्छे से इस इंटरव्यू में और सभी बातों को बड़े बखूबी ढंग से किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद आप सबको, आपके साथ कैमरामैन भी, शूटिंग कैमरामैन को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई हो। इस पंखा बंद है, गर्मी लग रही है, फिर भी आप